गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे आप सब लोग, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस आज का जो व्लॉग होने वाला है, आज का व्लॉग जीवित पुत्री का व्रत के ऊपर होने वाला है। बहुत सारे लोगों को इस व्रत का नहीं पता होगा। इस व्रत को कुछ लोग जीतिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। वैसे इसका पूरा नाम है जीवित पुत्री का व्रत, और ये व्रत रखा जाता है अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए। ज्यादातर जिनका बेटा होता है वो माएं ये व्रत अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत को रखने के लिए मैं भी इंस्पायर हुई हूँ, जो मैंने स्टोरियाँ सुनी है उसकी वजह से, क्योंकि पति पुत्र और भाई के नाम से जितने भी व्रत होते हैं या कोई भी व्रत होता है, वो सारे व्रत मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दिल से कनेक्ट हूँ इन चीज़ों से। सो इसके बारे में जो कथा है मैं वो आपको थोड़ा आगे चल के बताऊँगी। अभी मैं बता दूँ कि अभी सुबह के बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, और घर में खाना बन चुका है। खाना इसमें होता है कि गरम गरम खाया जाता है, और मम्मी और मेरा है फास्ट। दीदी इसलिए नहीं रख रही क्योंकि उनकी बेटी है, मम्मी के दो बेटे हैं पीयू और बड़े भैया, तो वो लोग रख रहे हैं। मेरा भी बेटा है सो मुझे भी रखना पड़ रहा है। सो मैं इस व्रत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश करूँगी, थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूँगी कि कैसे क्या होता है, कैसे रखा जाता है, इसलिए कि जिन लोगों को नहीं पता है इस व्रत का महत्व, जिन लोगों को पता नहीं है, जिन्होंने ये व्रत सुना ही नहीं, किया ही नहीं, वो लोग भी इंस्पायर होके ये व्रत रखे। मैं थोड़ा बहुत दिखाने की भी कोशिश करूंगी आगे चल के। तो मिलते हैं आगे, बने रहिए, पूरे ब्लॉग पूरा ब्लॉग देख के जाइए। आउट के नहाने के बाद मम्मी ने ये चीजें छू के रख दी है, जो कि ये दान करने वाली है। मैं नहीं छुई हूँ, मैं नहीं की हूँ, क्योंकि आज है नहा धो के खाने वाला सिस्टम, व्रत कल होगा। मम्मी की सास नहीं है इसलिए मम्मी आज छू के रख देंगे, मेरी सास है तो मैं आज नहीं छूंगी, मैं कल व्रत करूंगी, परसों जाके छूंगी। सो ये मम्मी ने तोरई रखी हुई है, तोरई छू के रख दिया है, चावल छू के रख दिया है, ये दाल है, चने की दाल है, और इसमें सिंदूर है, बिंदी है, आलू है, मुझे तो ये सब चीज़ें दिख रही है। सो ये मम्मी ने छू के रख दिया है। आज है नहा खा, सो उस दिन मम्मी ने ये सब चीज़ें की हुई है, और मैं बैठ के नीचे बैठ के खाना खाया जाता है। मम्मी और मैं बैठ के खाना खा रहे हैं। आज के दिन घिया और तोरई का ये सब्जी बनता ही बनता है। ये सिंपल सी दाल बनाई है क्योंकि इसमें सिंपल सिंपल ही खाना होता है, मे बी चावल के साथ। सो मम्मी ने इसको पूरा प्रणाम कर लिए चारों ओर पानी डाल के। मैं भी कुछ इस तरह करूँगी, फास्ट है तो इसलिए अभी रात में कुछ अच्छा खाना बनता है। सो आज हमारे यहाँ बना है पालक पनीर, बनाया है हमने सब्जी और साथ में सलाद लिया है, और ये दही बल्ले बनाए हुए बहुत ही टेस्टी बने हुए। इसके ऊपर मैंने इमली की चटनी बनाई थी घर पे, वो डाला हुआ है। सो बहुत टेस्टी चटनी बनी हुई है और दही बल्ले बहुत टेस्टी है। पालक पनीर अभी टेस्ट करूँगी, वैसे दिखने में तो बड़े लजीज लगते हैं। सो सुबह उठ के हम लोग सरगई खाएँगे, सरगई खाने के बाद हमारा व्रत स्टार्ट हो जाएगा। नहीं खाना बहुत टेस्टी बनाया है ना, मजेदार है, बहुत टेस्टी। आज कैसा बना है? अच्छा बना है, पर थोड़ा स्पाइसी है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो बेटा? रुद्र पानी पीना है आपको? कितना शरारत करोगे बेटा, कितना? रात के 3:30 बज चुके हैं। सो हमारा फास्ट अब स्टार्ट हो चुका है। फास्ट के जो फर्स्ट नियम होता है वो ये है कि मतलब आपको सरगई खानी होती है। कोई भी फास्ट करो तो उसमें कुछ ऐसा ही है कि सरगई खानी पड़ती है। सो सरगई में मैं इस टाइम 3:30 बजे सरगई खाने जा रही हूँ। अकेले फास्ट है, अकेले खा रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आप लोग को कि मैं सरगई में क्या चीज़ ले रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे सुबह सुबह उठते ही मैंने सरगई में ये दही लिया है। दही खाने से ये है कि प्यास कम लगेगी, इसलिए मेरे को इजी रहेगा, और ये खीरा है, खीरा से भी प्यास कम लगेगी। गर्मी में थोड़ा टफ रहता है क्योंकि गला सूखता है, इसलिए ये दो चीज़ प्रेफर की है सरगई में खाने के लिए। इसके साथ मैं केला लेती हूँ, जितना मैं खा पाऊँ खा लूँगी, और ये मैं पानी ले चुकी हूँ। पानी इसके मैं चारों ओर ऐसे इस तरह से छिड़क के उसके बाद प्रणाम करके मैं सरगई ग्रहण करूँगी। उसके बाद मेरा फास्ट अब स्टार्ट हो चुका है। सो इसके बाद 24 घंटे का मेरा व्रत होगा, मेरे बच्चे के नाम से ये व्रत कर रही हूँ। सो आप लोग भी कीजिए, जिस किसी को अभी तक नहीं पता है इस व्रत का महत्व, या फिर इस व्रत के बारे में इसकी कथा सुनिए, इसके बारे में जानिए, किसी बड़े बुजुर्गों से पूछिए, तो आप लोग भी इंस्पायर होंगे ये व्रत रखने के लिए। सरगई मैंने खा ली है। सरगई खाने से पहले भी मैंने ये दातुन की थी, और अब खाना खाने के बाद, सरगई खाने के बाद भी मैं ये दातुन करूँगी। इसमें ब्रश बिल्कुल नहीं किया जाता, ना सरगई खाने से पहले, ना ही सरगई खाने के बाद। सो कुछ भी नहीं लगा सकते, और इसलिए इसमें दातुन से ब्रश किया जाता है। सो ये भी न्यू एक्सपीरियंस है। तो शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैं तैयार हो चुकी हूँ। एक्चुअली इस व्रत में क्या है कि बाल कंघी नहीं करते। बाल कंघी नहीं करना इसलिए है
क्योंकि ये जीवित पुत्रिका इस व्रत का नाम है कि, और इसमें कोई भी चीज़ को तोड़ना नहीं है क्योंकि ये किसी के जीवन के लिए होता है। सो अगर हम बाल कंघी करते हैं तो बाल वो टूट जाते हैं तो फिर वो थोड़ा अलग माना जाता है, इसलिए मैंने भी रिस्क नहीं लिया है। मैं भी पूरे तौर तरीके के साथ जो रस्म है जो रिवाज है वो फॉलो करते हुए मैं भी इस व्रत को कर रही हूँ, बट स्टिल मैं फिर भी ठीक है अच्छे से तैयार हो गई हूँ। अब मैं पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री होंगी। अब चलती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, जल्दी से पूजा कर लूँ क्योंकि रुद्र भी रो रहा है। नीचे आ गई थी और पीयू पबजी खेल रहे। पीयू का कहना है कि हाँ, राज ऊपर आके मुझे कह रहे थे कि राज मैं रुद्र को इतना घुमाया कि मैं थक गई और पसीना दिखा रहे थे, जबकि मुझे नीचे आते ही पता लगा कि मम्मी बोल रहे हैं कि पीयू ने तो रुद्र को उठाया नहीं, ये तो तब से पबजी खेल रहे। देखिए ये इंसान इतना झूठ बोलने लग गया और अभी भी बेशर्मों की तरह सिर झुका के पबजी में घुसे हुए हैं। तो मम्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मम्मी और मैं अब जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए। थोड़ी सी रोज का ही काम है, थोड़ी सी सब्जी लेके आती है, उसके बाद आके घर में आके कथा सुनूंगी, कथा सुनाएंगे, मम्मी कथा सुनाएंगे, दीदी मैं मम्मी पीयू रुद्र किकी सारे बैठ के कथा सुनेंगे हम लोग। उसके बाद कथा सुनने के बाद उसके बाद आराम से रेस्ट है, रात भर हम फ्री है, कल सुबह जाके मैं व्रत खोलूंगी। रात को जाके गोभी लेना है, मटर लेना है, पनीर लेना है। ठीक है चलिए। तो वैसे ये मेरे लिए नहीं बनना है क्योंकि मैं आज भूखी ही हूँ, ये अब भी बनेगा रात को, बाकी सुबह मेरे लिए तो ताज़ा ताज़ा गरम गरम जो भी बनेगा। कुछ भी इसमें कहा जाता है कि बिल्कुल गरम गरम खाना है। देखते हैं सारे रस्में फॉलो करके, सारे रीति रिवाज फॉलो करके। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, एक्चुअली ट्रैफिक था, एक्चुअली पता नहीं कहाँ से लग गया, कैसे लग गया, जाम लग गया था। आज तक मैंने इस रोड पर हमारे एरिया में इतना जाम नहीं देखा जितना आज जाम देखा है। तो यहाँ पे मम्मी सब्जी ले रहे थे और मम्मी मोल भाव कर रही है अच्छे से। क्या कर रहे हैं आप, बहुत शरारत करते हो बेटा, ये वहाँ पे सर बजेगा बच्चे। आजा मेरा बेटा, आजा मेरा बच्चा। नहीं क्या कर लिए, क्या कर लिए मेरे चुंदर चुंदर, क्या कर रहे हैं बेटा आप, बहुत शरारती हो गए हो, बहुत शरारती करते हैं, बहुत शरारत आता है आपको। हाँ बोल दी कि व्यू आपकी बहू कितनी सुंदर है आके, और सारे पीछे मुड़ मुड़ के देखे। सारी औरतें इसलिए बोल दी थी क्योंकि उनको पता है कि इसका पति मैं हूँ, सब मेरे पे लाइन मारना चाहती थी, सब मेरे तक पहुँचना। और ये इंसान गए भी नहीं थे, ये इंसान हमारे साथ गए भी नहीं थे, मोहल्ले में थे। नौ बजने जा रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत रुद्र के साथ खेल रही थी, उसको खिलाया, बट एक्चुअली क्या है कि मुझे प्यास तो नहीं लगी अभी तक भी, भूख भी नहीं है, मतलब कि वो चीज़ इतना फील नहीं कर रही हूँ। अचानक से मेरे सर में बहुत पेन होने लगा है एंड आप लोग देख सकते हैं मेरी आईज़ भी येलो लगने लगी है। सो थोड़ा अजीब लग रहा है, अब मैं रेस्ट कर लेती हूँ, नींद पड़ी तो ठीक है, नहीं पड़ी तो थोड़ी देर फ़ोन चला लूँगी एंड उसके बाद सुबह उठ के ही व्रत खोला जाएगा। गाइस अभी मैं खाना खा के आया हूँ, देखते हैं दोनों माँ बेटे क्या कर रहे। वाह वाह, दे बोथ आर स्लीपिंग।
देखो तो भाई कितने चैन से सो रहे, मेरी नींदे उड़ा के दोनों। चलो उठेंगे तब कैप्चर करते हैं गाइस आगे क्या होता है। लेट्स सी गाइस, पार्ट स्टार्ट हो चुका है। वन में भ्रमण करते हुए जब एक दिन में काफी आगे चले गए तो यह वृद्धा को रोते हुए देखा। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने वृद्धा से उनके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे कहानी सुना रही है गाइस यहाँ पे। अब रुद्र रो रहे हैं, ये सुन रहा है कहानी। उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार भी उसी यहाँ पे। मम्मी और मैंने सारी कथा, तीन कथाएं मैंने फ़ोन पे सुनी है क्योंकि नहीं आती है मुझे ऑब्वियसली, तो तीन कथाएं मम्मी ने भी मुझे सुनाई। पांच कथाएं सुनना इसमें ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक होता है कि ये जैसे कथा पढ़ेंगे, और कथा पढ़ने के बाद तो मैं और ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ कि जितनी भी कथाएं सुनी, जितनी भी इस व्रत के ऊपर कथाएं हैं, चार पांच अलग अलग है, सो मैं सारी सुन ली। सो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये व्रत रख पाई, कर पाई, और ये सौभाग्य मुझे मिला है। बाकी जीवतवान भगवान से यही प्रार्थना है कि सबके बच्चे को दीर्घायु प्रदान करें। मेरे बच्चे को तो पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, अच्छे से बस तरक्की करे, क्या मस्ती करे। मैं दिखाती हूँ। हाँ पियो, ये पीट रहा है आपको किस लिए? क्या क्यों कर, क्यों मार रहे थे? सो अभी के 6:15 हो रहे हैं टाइम। मैं उठ के नहा धो के तैयार हूँ सिंपली, इससे ज्यादा हिम्मत भी नहीं है। तो अब मैं अपना फास्ट खोलूँगी, उसके बाद कुछ गरम गरम खाना खाऊंगी। यहाँ पे देखिए, मेरे फास्ट खोलने से ज़्यादा एक्साइटेड तो ये कि जल्दी से फास्ट खोल लो, भूखे प्यासे हो। सो ये खुद ही आके खाना बनाने लगे सुबह सुबह आके। थैंक यू तो आपको मेरो। और बन क्या रहा है? आलू गोभी ग्रेवी वाली टमाटर का तड़का। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू मेरो। तो ये यहाँ पे मैं सुबह सुबह पूजा कर ली थी, ये थी, ये मैं तुलसी माँ के पास रखाऊंगी। और बाकी मैं पूजा कर चुकी हूँ, अब भगवानों को प्रसाद चढ़ा दिया, अब जाके मैं कुछ जो रसम होता है उसके हिसाब से कुछ सब जो भी फ्रूट वगैरह होते हैं उसको छू के उसके बाद मैं अपना फास्ट खोलूँगी। तो इसमें ये पहनने का बहुत महत्व है, और जिसके जितने बच्चे होते हैं उतने इसमें गांठ मारी जाती है। मेरा बेटा है, सो मैं उसके लिए गांठ मारी। अब इसको मम्मी खुद पहनो, पहले बच्चे को लगाओ गले में। पहले इसको हाथ करना, इसको मत छूना, सामान छूने ना। हां ओम शिवाय नमः करके अपने बाबू को गला में लगा के सामान था, मैंने ये छू दिया है। अब ये धागा मैं अपने बच्चे के गले में डालूंगी, डालूंगी। हाँ बस पहनाना नहीं है। बस 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 बांधना नहीं होता। मम्मी अब डाल लूं अपने गले में। क्या हो रहा है? क्या पहने? मम्मी आज खुलवाने के लिए राज को खाना दे रही है, और ये खाना मैंने बनाया है। देख सकते हैं आप, सब फर्स्ट बाइट लेंगी। पहले ये धागे का बता दूं, इसे चिपिया कहा जाता है। सो ये पहनना बहुत जरूरी माना जाता है। इसको पहले मैंने हल्का सा अपने बच्चे के गले में पहनाया है, जितने बच्चे उतनी गांठ मारी जाती है, उसके बाद इसको गले में डाला है मैंने। सो अब ये कुछ दिन मैं अपने गले में ही रखूंगी। ये मेरे बच्चे की लंबी आयु की। और उसको गरम है सब्जी। तो इसमें खाना एकदम गरम गरम जलता जलता, मतलब कि ये सोचिए कि टच ना हो सके, जैसे गरम गरम बना वैसे खाना होता है। सो खाना बिल्कुल गरम गरम खाओगे तो ही इसका फल अच्छा है, और बाकी तो बिल्कुल नहीं खाना है आपको। मैंने जो छू के रखा था वो सामान ये था, इसमें जिमनी ये जो भी है, ये तुरई, आलू, चावल, ये अरहर का दाल, बिंदी और सिंदूर, ये चीज़ें रखी जाती है। ये मैंने छुआ है, ये मम्मी ने आज छुआ हुआ है, और ये वाला जो है ये चीज़ मम्मी ने ये परसों छुआ है। मम्मी इसलिए छुई थी क्योंकि मम्मी की सास नहीं है, तो मम्मी को पहले दिन भी छूना था। सो ये अब जाके मैं इसको अच्छे से पैक करूँगी, पैक करके इसको मैं मंदिर में किसी पंडित को दे आऊँगी, या फिर किसी को दान करके आ जाएंगे।
सो गाइज यही मैं व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। सो प्लीज़ हमारे व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए। जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाकी जीवतमान भगवान आप सबको भी लंबी उम्र दे। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय, टाटा, टेक केयर।